हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पोटा कलेजी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है इसके लिए ये मसाला, इसको हमने दरदरा पीस लिया है। पोटा कलेजी को हमने अच्छे से धो लिया है और छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये दो बड़े प्याज हैं, इनको हमने बारीक काट लिया है। टमाटर हैं। अब हम लेंगे एक बर्तन में 1.5 चम्मच तेल और इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम इसमें पोटा कलेजी डाल देंगे। पोटा कलेजी को डाल के हम सही से भूनेंगे। इन बोटियों को हमने बहुत छोटा किया है, मतलब दिल की बोटी को भी हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसका पानी ये छूट गया है और थोड़ा पानी जला के उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर, नमक और मिर्च डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और 2-3 मिनट पकने देंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो पानी था वो भी जल गया है। अब इस टाइम में हम जो हमने मसाला पीसा था वो डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और लाल मिर्च। ये सारा हमने दरदरा पीस लिया था, मतलब बहुत बारीक नहीं पीसना है, वो हम इसमें डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल तेल है, मतलब पानी नहीं इसमें बचा है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको भूनना नहीं है, इस मसाले को डाल के बस 2-3 बार चलाना है, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। प्रेशर आने के बाद, मतलब जब इसे प्रेशर बन जाएगा तो उसके बाद हम इसको 15 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये पक के रेडी हो चुका है, गल भी गया है। अब आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डालें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? पोटा कलेजी भी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।